विधानसभा चुनावों को लेकर सभी प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जीत के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं, तो वहीं सभी प्रत्याशियों के समर्थक भी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सदस्य अरुण सिंह मथुरा आए। उन्होंने एक स्थानीय होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में बात की। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण सिंह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष की सभी पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू गुंडागर्दी के लिए और दूसरा पहलू भ्रष्टाचार के लिए है। महामंत्री अरुण सिंह ने बताया कि अब की बार उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक भाजपा की सीट आएंगी, जिसके लिए पूर्ण रूप से तैयारियां जोरों पर हैं। हम यहाँ से चिर परिचित है। हम जानते हैं कि किस प्रकार से जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कोसी के दंगे होते थे और दंगों में एक वर्ग को राहत दी जाती थी, एक समुदाय को राहत दी जाती थी जो अल्पसंख्यक होता था, बाकी के पास राहत नहीं पहुंचती थी। और अगर राहत पहुंचाने का काम करते थे तो उन्हें केस लगाया जाता था। मैं भी कोसी कई बार जाकर के उस समय देखा, उसके बाद का आवाज़ उठाया, लेकिन समाजवादी पार्टी का यह भेदभाव था। उसके साथ यही जवाहर पार्क जो है, जवाहर बाग की स्थिति देखिए। रामरक्ष यादव के ने पूरा आतंक किया और आतंक के साथ साथ जो मुकुल द्विवेदी सीओ थे वह, और संतोष सिंह जो अपना एसओ समाजवादी पार्टी के सरकार में सीओ और एसएचओ एसओ की हत्या हो जाए, एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी जी इनकी हत्या हो जाए, और सरकार ऐसी घटनाओं को सपोर्ट करती थी। आज वही जवाहर बाग जो है वो पर्यटक स्थल बन गया, यह योगी जी के नेतृत्व में हुआ। इसके साथ साथ रंगोत्सव हो, जन्माष्टमी हो, यहाँ पे कार्यक्रमों में भाग लेने का काम योगी जी करते हैं। 20 बार आ चुके हैं, पहले के मुख्यमंत्री चाहे समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री हों चाहे बसपा के, वह कभी भी रंगोत्सव जन्माष्टमी के कार्यक्रमों में भाग लेने नहीं आते थे, क्योंकि वह अल्पसंख्यक वोट बैंक से डरते थे कि वोट खिसक जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह, वो कह रहे हैं कि अगर विकास किया होता, कार्य किए होते तो मंत्रियों को क्यों दौड़ा रही होती जनता, बीजेपी के मंत्रियों को जनता क्यों दौड़ा रही होती। संजय सिंह के बात का कोई औचित्य नहीं है, न उनका जनाधार है, न उनकी पार्टी यहाँ पे नहीं है, तो उनकी बात क्या करना, कौन से मंत्री दौड़ा रहे हैं, किसी मंत्री नहीं दौड़ा रहे, ऐसा नहीं है। जो गरीबों के लिए काम किया, अब उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम हुआ, बताएं संजय सिंह। योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में 2 साल से अनाज मिल रहा है, योगी जी भी अनाज दे रहे हैं, 15 करोड़ लोगों को, गरीबों को अनाज देने का काम हो रहा है। वैक्सीन मुफ्त में, वैक्सीन टीकाकरण का काम हुआ, आज 165 करोड़ से अधिक टीकाकरण हो गया, और गन्ना के पेमेंट जो किसान थे उनका पेमेंट हुआ है। और इसलिए गरीब किसान आज मोदी योगी के साथ है, मोदी योगी कर रहा है। गर्मी वाले बयान पे जैन जी का बयान आया है कि उन्होंने कहा, सारी बात करते हैं, इमेच्योर बात करते हैं। जब दो गठबंधन ऐसे होते हैं कि दोनों का जो काम जो किया है वो जीरो होता, तो 0+0 का रिजल्ट कितना आएगा, 0 ही आएगा। जब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने 2017 में गठबंधन किया, उसका रिजल्ट 0 आया।